सुप्रीम कोर्ट के जो निष्प्रभावी करने के लिए उनके डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए 117th अमेंडमेंट एक्ट जो कि राज्यसभा में ऑलरेडी 2012 में पारित हो चुका है और अभी गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि उसको पारित करके इसको नियम बना दिया जाए। इसमें लगभग हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट में अप्रोच किया है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, सभी समाज के लोगों को हम लोगों ने पर्सनली मिलकर उनको जागरूक करने की कोशिश की है और हमें पूरा उम्मीद है कि कम से कम 1.5 से 2 हजार लोग वहां पे उपस्थित होकर कम से कम इसको समझने का सफल बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ अभी तक तो बिलासपुर और छत्तीसगढ़ या पूरे राज्य में पूरे देश में हर जगह पे इस तरह से धरना करके इस तरह से जन जागरण आयोजन करके लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के कोई भी अमेंडमेंट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक होगा और हमारे हितों के विपरीत होगा। मैं मिथिलेश दुबे, सहायक अभियंता बिजली विभाग। अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के जो भी लोग उनके हित वास्तव में ताक पे रखे जा रहे हैं, ऐसा इस तरह की जो भी नीति है उसके विरोध में जो ये धरना करना चाहते हैं, धरना पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। जी आप लोग बता देते क्या आप बता किस संबंध में आप लोग आए हैं कि किस तारीख को मेरे यहाँ का चौक धरना आयोजन करना चाह रहे हैं समाज के लोगों को इन्वाइट किया होगा जो कि जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके हित उससे प्रभावित हो रहे हैं वो इस मुहिम में आके हमारा साथ दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं